Now let's take you to NIC Bengaluru to have a glimpse of Team Pentagon's achievements. Ladies and gentlemen, Team Pentagon is a group of 5 girls. आप लोग वही हो जो मुझे पार्लियामेंट में आए थे मिलने के लिए? Yes, वही है। हाँ, दिखता है। बेंगलुरु के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा की संजना वसंत, अनुपमा एन, महिमा महेंदाले, स्वस्ति पी राव और नव्याश्री बी एक नई सोच के साथ कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखती हैं और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित जाने माने टेक्नोवेशन चैलेंज 2015 को जीतकर ये साबित कर दिया है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित होकर मोबाइल ऐप सेलिक्सो के लिए पुरस्कृत किया गया है। एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन सेलिक्सो सूखे कचरे को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रदान करता है। ये दुकानदारों, सूखा कचरा जमा करने वालों और रिसाइकलिंग एजेंसियों को टारगेट करता है। ये कचरे को फायदे की चीज बनाकर रोड साइड दुकानों को अपना सूखा कचरा सही तरीके से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। May I now request Anupama N of Team Pentagon to kindly address a question to the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. Good morning. We are Team Pentagon. Good morning. We are Team Pentagon, and our question to you is, given the condition of the waste management sector of India, which is highly unorganized, high intervention of the government is required. Sir, what are the main challenges or problems you faced when you were implementing your initiative, the Swachh Bharat Abhiyan? जब मैंने विचार रखा था तब तो मुझे लग रहा था बहुत चैलेंजेज है, तो अब नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि 8वीं-9वीं कक्षा की बच्चियां भी अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर ऐप्स बनाती हो और दुनिया में जाकर के इनाम जीत करके आती हो, मतलब मेरा देश स्वच्छ होके रहेगा। ये स्वच्छ भारत अभियान ये ज़्यादा हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग गंदगी से नफरत करने का स्वभाव डेवलप कर लें तो स्वच्छता अपने आप आएगी। मुझे इन दिनों कई लोग मिलते हो, कहते हैं हमारे घर में हमारा पोता जो है 3 साल का है लेकिन वो कूड़ा कचरा कहीं फेंकने नहीं देता है, और बोले मोदी मोदी करता है। तो एक पूरे, और मैं बताऊं, इस काम में सामान्य रूप से सरकार कोई कार्यक्रम लाती है या कोई राजनेता किसी कार्यक्रम को बोलता है तो हमारे देश में सिर्फ विपक्ष नहीं और लोग भी उसकी बाल की खाल उधेड़ने में लग जाते हैं, उसको परेशान कर देते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वे नहीं हुआ। ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसका सब कोई समर्थन कर रहा है। आपने देखा होगा मीडिया के लोगों ने इसको कितना आगे बढ़ाया है, अपने एडवर्टाइजमेंट का समय छोड़ करके यानी कमाई छोड़ करके वो स्वच्छता के लिए कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और कोई फेंकता है तो लेकर के फिर उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको डरा देते हैं। अब ये लोक शिक्षा का जो काम हो रहा है, दूसरा है व्यवस्थाएं। ये बात सही है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना हम अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं ला सकते। कुछ सरल उपाय है, सरल उपाय एकदम। मान लीजिए एक छोटा शहर है, उसे 5 किलोमीटर की रेडियस में कुछ गांव है, अगर वो गांव अर्थवॉर्म्स ला करके, केचुए ला करके ये शहर का कूड़ा कचरा वहां डाल देते हैं और उन केचुओं से अगर फर्टिलाइजर बनाते हैं और फर्टिलाइजर बेचते हैं तो शहर स्वच्छ हो जाता है, गांव को इनकम हो जाती है और आसानी से चीजों को जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, उससे भी हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। आज वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट के उद्योग में आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि सरकार जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग देना है दे करके इस काम को आगे बढ़ाएं। नगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महानगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और गांवों में भी, गांवों में मुख्य बात रहती है
कि पानी का निकाल कैसे हो, गंदे पानी का निकाल अगर वो एक बार हमने ऑर्गेनाइज कर लिया तो फिर वहाँ समस्या नहीं होती, क्योंकि बाकी चीज़ें वो अपने खेत में डाल देते हैं जो अपने आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसको लेकर के सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, बजट भी दिया जा रहा है और परिणाम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छा काम हाथ में लिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।